मैं सारिका सक्सेना आज आपके लिए एक मैसेज लेके आई हूँ। आज लता जी ने अपना शरीर त्यागा है, आज वो आत्मा के रूप में मौजूद हैं, शरीर में नहीं हैं। आत्मा के जब रूप में वो आज हैं तो शी इज़ यूनिवर्सल, यानी कि वो हर जगह हैं। ये मैं कोई शोक या दुख भरा मैसेज लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि ऐसी महान आत्माओं का जाना भी एक बहुत बड़ा अवसर होता है मानवता के लिए, ताकि आप उस आत्मा का जो प्रसाद है एक आशीर्वाद ले सकें। लता जी के कंठ में सरस्वती विराजमान हम सब जानते हैं, ऐसा क्या था उनके गले में जो कि हम सबको इतना अपने भीतर तक जाने के लिए, वो अपने केंद्र तक जुड़ने के लिए पहुंच जाते थे हम बस उनको सुनते ही, क्या था उस आवाज़ में ऐसा। तो उनका जो विशुद्ध चक्र था, जो कंठ चक्र थ्रोट चक्र, वो ओपन था, जिससे कि उनके भीतर से एक तरह से जो ईश्वर है, ईश्वर की जो आवाज़ है, वो उसका एक पोर्टल थी। जीते जी उन्होंने जो भी कुछ मानवता के लिए जो दिया है, जो प्रसाद है उनकी आवाज़, जो हमेशा रहेगी, आज विशुद्ध चक्र का एक पोर्टल खुला है, ओपन हुआ है, क्योंकि आज वो अपने आत्मा के रूप में हैं, वो यूनिवर्सल हैं, वो सब जगह हैं। तो आज दुख मनाने का समय नहीं है, ये ऐसे संतों का जाना भी हम सबके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है जिसका विशुद्ध चक्र ओपन है, कंठ चक्र। तो हमें इतना करना है कि हम अपने विशुद्ध चक्र जो कंठ है उस पर फोकस करें, उनके गीत को हम सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अवसर है जो कोई भी आत्मा मानवता के लिए कर सकती है, जो देना चाहती है वो आपको, जो आत्मा रूप से जो आपको प्रदान करना चाहती हैं, जो देना चाहती हैं, उसको आने दें, उसको प्रवेश पाने दें अपने भीतर। आपको अपने कंठ पे फोकस करना है, गले पे फोकस करना है, और उनकी शक्तियों को, उनकी जो कंठ जो उनका खुला था, जो विशुद्ध की जो शक्तियाँ हैं, उसको अपने भीतर एब्जॉर्ब होने देना है, उसको अपने भीतर प्रवेश होने देना है। जब भी कोई आत्मा हमारे जीवन से, इस शरीर से मुक्त होती है, तो वो अपने आत्मिक स्वरूप में होती है, वो अपने यूनिवर्सल फॉर्म में होती है, यानी कि वो अपने सबसे पावरफुल स्थिति में होती है। अब जो भी उस आत्मा के पास होता है वही आपको वो प्रदान कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा अवसर है सबके लिए, यानी कि संतों का जाना भी दुनिया से बहुत बड़ा एक आशीर्वाद होता है, बहुत अच्छा होता है। इसमें दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें उस आत्मा के द्वारा क्या प्रसाद आपको मिल सकता है, जो कंठ की शक्तियां हैं, अगर हम कंठ से फोकस करें और उनके आत्मा से हम कनेक्ट करते हैं, हम उनका ध्यान उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आत्मा, आपकी जो आत्मा है, आप आत्मा स्वरूप में हैं, आप मुझे क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, अपना ज्ञान आप मुझे प्रदान करें। जिस प्रकार भगवान राम ने, जब रावण मर रहा था, रावण बड़ा ही ज्ञानी था, और भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था कि आप जाके उनसे उनका ज्ञान मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करें, वैसे ही कोई भी आत्मा जब हमारे जीवन से जाती है तो ये दुख मनाने का समय नहीं होता, ये बहुत ही बड़ा अवसर होता है, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति में वो आत्मा जो आपको सहयोग देना चाहती है वाकई में, हम उसके लिए तैयार होने चाहिए। हम जब रिसीविंग मोड पे होते हैं तभी हम उस आत्मा की शक्तियों को ग्रहण कर सकते हैं, या जो वो ज्ञान हमें देना चाहती हैं वो हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये आज बहुत बड़ा अवसर है, और मेरा आप सभी को ये संदेश है कि अपने विशुद्ध चक्र पे फोकस करें, उनके गीत भी सुन सकते हैं आप, और पूरी तरह से उस आत्मा की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने दें।
यानी कि उस आत्मा के द्वारा जो ज्ञान आपको दिया जाएगा उसको ग्रहण करें, उसको प्रवेश पाने दें।